आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टेलीविजन के अमिताभ बच्चन यानी रोनित रॉय की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप काफी एंटरटेन होंगे। रोनित रॉय की जिंदगी में एक समय था जब वो फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने जिंदगी में वो टाइम भी देखा जब उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन आंखों में एक्टर बनने का सपना हमेशा रहता था। अपने इसी सपने के साथ वो सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गए, लेकिन उनके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। जेब में पैसा न होने की वजह से रोनित रॉय ने मुंबई में एक होटल में मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। जिस होटल में वो काम करते थे वहाँ पर वो बर्तन धोने से लेकर बारटेंडिंग और टेबल पर खाना तक सर्व किया करते थे। होटल में काम करने के बावजूद भी उनके दिमाग से एक्टर बनने का जुनून कम नहीं हुआ था। और इसके बाद आखिरकार रोनित रॉय का सपना तब पूरा हुआ जब साल 1999 में उनकी डेब्यू फिल्म जान तेरे नाम रिलीज हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद रोनित रॉय का करियर चल पड़ा और उन्होंने कई सारी हिट फिल्में भी दी। इसके बाद रोनित रॉय को ये लगा कि उनकी जिंदगी में अब सब कुछ आसान हो गया है और अब वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई सारी फिल्में करने के बावजूद भी रोनित रॉय का करियर डगमगाने लगा और कुछ समय बाद उन्हें अनसक्सेसफुल एक्टर्स की लिस्ट में शामिल कर दिया गया और इसी कारण उन्हें अगले 5 से 6 सालों तक कुछ काम नहीं मिला। करियर की इस बेहाली के चलते आखिरकार रोनित रॉय ने फिल्मों का सपना छोड़कर टेलीविजन जगत की तरफ रुख किया। हालांकि टेलीविजन पर उन्हें काफी फेम तो मिला, लेकिन उतनी कमाई न हो सकी जो उन्हें फिल्मों में मिला करती थी। उन्हें रोज के हिसाब से 2000 रुपए मिला करते थे। साल 2000 में अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे रोनित रॉय टेलीविजन की दुनिया का न सिर्फ एक जाना माना नाम हो गए, बल्कि जो सपने उन्होंने फिल्मी दुनिया से पूरे करने की सोचे थे वो टेलीविजन की दुनिया से ही पूरे हो पाए। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ये लगा पर डे 2000 रुपए की कमाई से उनका जीवन नहीं चल पाएगा, लिहाजा उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस करने का फैसला लिया। और आखिरकार बिजनेस के तौर पर उन्होंने जिस काम को चुना वो था सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करने का काम। रोनित रॉय को फिल्में नहीं मिल रही थी और टीवी की दुनिया में जाना पहचाना नाम होने के बावजूद भी वो उतना नहीं कमा पा रहे थे जितने की उन्हें उम्मीद थी। लिहाजा उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी की शुरुआत की और धीरे धीरे करके उनकी ये सिक्योरिटी एजेंसी बॉलीवुड की एक नामी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन एजेंसी बन गई। रोनित रॉय ने इस एजेंसी के तहत कई फिल्मी सितारों को सिक्योरिटी देने का काम शुरू किया। ये फिल्म स्टार्स जिनको रोनित रॉय की सिक्योरिटी एजेंसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान और ऐश्वर्या राय सहित कई जाने माने फिल्म स्टार्स। इन सेलेब्स को जहाँ भी जाना होता है वहाँ के लिए रोनित रॉय इनके साथ अपने बॉडीगार्ड्स भेज देते हैं और वो साये की तरह इन स्टार्स के साथ रहते हैं। बॉलीवुड के साथ साथ रोनित रॉय की एजेंसी हॉलीवुड स्टार्स को भी सिक्योरिटी देती है। जब कोई हॉलीवुड स्टार इंडिया अपने टूर के लिए आता है उस समय रोनित रॉय की रिप्यूटेड सिक्योरिटी एजेंसी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और अपनी इस एजेंसी के जरिए रोनित रॉय लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं।